गुरुवार को रामनवमी पर इंदौर में हुए दर्दनाक हादसे में अलीराजपुर जिले के बलेडी गांव के रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक की भी जान चली गई। युवक का नाम जितेंद्र सोलंकी है, जो इंदौर में रहकर मंदिर की चौकीदारी का काम करता था। परिजनों के अनुसार घटना के वक्त जितेंद्र भी हवन में शामिल था। युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद बलेडी गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल मृतक जितेंद्र सोलंकी परिवार का एकमात्र सहारा था। जितेंद्र अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 साल का मासूम बेटा छोड़ गया है। युवक की पत्नी गर्भवती भी है। घटना की जानकारी के बाद युवक का शव बलेड़ी लाया गया, जहां शुक्रवार उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की पत्नी ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए शासकीय नौकरी की मांग की है, ताकि वह परिवार और बच्चों का पालन पोषण कर सके। वहीं जितेंद्र के पिता ने मंदिर समिति पर मनमाने ढंग से काम कराए जाने का आरोप भी लगाया है। इंदौर की जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है, और इस घटना के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तत्काल संज्ञान लेते हुए जितने भी मृतक परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है, तथा जो घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए तत्काल और एक्स्ट्रा ऑपरेशन करा के सभी को निकाला। दूसरा, हमारी सरकार इन सभी घटना और दुख के साथ है, और बहुत जल्दी इनका मुआवजा दिया जाएगा, ऐसी हमारी कामना है। क्या नाम आपका? रमेश डावर, ग्राम पंचायत बलेड़ी सरपंच। मेरा कमाने वाला आप कोई भी नहीं, बस बच्चा छोटा है, सरकार की तरफ से कुछ भी मिले तो आप चाहते क्या हो? सरकार कुछ भी काम मिल जाए तो कर लूंगी। क्या चाहते हो आप? अगर सरकार नौकरी दे देंगे तो बच्चे को पालन पोषण कर लूंगी। क्या नाम आपका? गीता। कई सालों से हम वहाँ पर मजदूरी करने गए थे, और हम वहाँ चौकीदारी करने को छोड़ने की कोशिश करी थी। उन लोगों ने हमारे से पैसे रुक लिया था, और उन लोगों ने मेरे को वहाँ से जाने नहीं दिया भाई। किन लोगों ने रोका? और उन्नो मुरली और पंडित, उसका भाऊजी। फिर भी मेरा छोरा ने दूसरी साइड पे छोटा वाला भाई ले जा रहा था, फिर भी उनने वो छोरे को रुक लिया, और मेरे ठेकेदार ने भी फोन लगा रहा प्रताप करके, फिर भी उन लोगों ने रुक लिया गई। उसका बाद में नम्मी थी, नम्मी के बाद में उसने वहाँ पे हवन कर रहा था, और हमको तो पता नहीं उसकी मम्मी कहाँ थी, और कानों में भी नहीं था। जैसे मालूम पड़ा ऐसे हम दौड़ के गया, और सुनने में आया कि मेरा जीतू भी चला गया भाई। दूसरी बात, रात को 4 बजे 5 बजे उठा के मेरे चूल्हे को मंदिर धुलाते हैं, परेशान करते हैं, रोटी पानी नहीं खाने देते, खड़े खड़े चाय पीते हैं मेरे छोरे को, ये मुरली और पंडित। क्या नाम था आपके? जितन सोलंकी। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के दौरान बावड़ी की छत धस गई, जिससे 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष सहित सचिव पर मामला दर्ज किया है। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।